नमस्कार, News 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंत्री जीतू पटवारी ने की टिप्पणी, कहा मोदी के दो आगे मोदी, मोदी के दो पीछे मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए इंदौर की यातायात पुलिस ने की वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था। मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर निगम आयुक्त ने बुलाई रहवासी संघों की बैठक, कहा सफाई में नंबर वन आने के बाद मतदान में भी आना है नंबर वन। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल पटवारी ने कहा कि मोदी का सच अब देश के सामने आ चुका है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मोदी के दो आगे मोदी और मोदी के दो पीछे मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, घर गए नरेंद्र मोदी। इतना बोलकर जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। मोदी जी इंदौर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी आए थे। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर की जनता ने मन बना लिया है कि देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, पंकज संघवी जी को यहाँ से सांसद बनाना है, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है, जो न्याय योजना है उसका साथ देना, गरीब इकट्ठा होकर अपने न्याय की, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस देश में मोदी जी के लिए कहावत हो गई है, मोदी जी के दो आगे मोदी, मोदी जी के दो पीछे मोदी। आगे मोदी, पीछे मोदी, अब बोलो कितने मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं। इंदौर आकर वे दशहरा मैदान में लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम का काफिला एयरपोर्ट वाले मार्ग से होता हुआ कालानी नगर से, बड़ा गणपति से, राजमहल्ला से होते हुए महुन्नाका चौराहे से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगा। यहां पर सभा के बाद वे वापस इसी मार्ग से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बहरहाल यातायात पुलिस ने सुरक्षा और यातायात को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था। दशहरा मैदान के सामने मधुबन कॉलोनी रोड पर गरबा वाले मैदान पर दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। दशहरा मैदान के पास स्थित अन्नपूर्णा के बगल के मैदान में चार पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे विनय नगर में दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भवरकुआ साइड, उज्जैन साइड, देपालपुर और बेटमा तरफ से आने वाली बसों की पार्किंग लालबाग मैदान में की गई है। पिथमपुर, महू और बिजलपुर साइड से आने वाले बसों की पार्किंग गोपुर चौराहे के मैदान में की गई है। दशहरा मैदान में आम सभा है, इसको देखते हुए आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, साथ ही जिस प्रकार की सुरक्षा के उनको श्रेणी दी गई उनकी सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यातायात एवं डायवर्सन प्लान बनाया गया है। शाम को लगभग 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को कल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उसी के सभा स्थल जाएंगे तो प्रोग्राम बना सकते। एयरपोर्ट का जो मार्ग दिया गया है वो एयरपोर्ट से सीधा बड़ा गणपति, बड़ा गणपति के बाद सीधा महुन्नाका, महुन्नाका से रणजी धर्मान होते हुए जो नरेंद्र तिवारी जी का मार्ग है उस मार्ग से होते हुए और जो अन्नपूर्णा रोड को दाहिने तरफ से जाएंगे, दाहिने तरफ से फिर यू टर्न बाएं तरफ करेंगे, जो एक नंबर गेट है आम सभा स्थल का उस गेट से प्रवेश करेंगे और सीधे मंच के पीछे की ओर जाकर लैंड करेंगे। इसमें चूंकि हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, खासतौर से जो एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं उनको तकलीफ होती है तो उनके लिए मैसेज भी कराए हैं और उनको हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा नहीं इस बार ट्रैफिक ना रोके इसके अनुरूप प्रयास करें। वो सेक्टर एयरपोर्ट से लेकर कालानी नगर का है वो बंद करेंगे, फिर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से वो मिलते हैं लोगों से, तीसरा सेक्टर उसमें जो हमारा बड़ा गणपति से लेके और गंगवाल तक बंद करेंगे, तो इसी प्रकार की हमने ड्रिल रखी, जब वो चलेंगे तो हमारा चौथा सेक्टर जो है वो हमारा गंगवाल से लेके और महुन्नाका तक बड़ा रंजीत तक है, रंजीत हनुमान तक है, उसके बाद पांचवा सेक्टर रंजीत हनुमान से लेकर सवाई स्थल तक है,
ये सेक्टर वाइज हम बंद करेंगे कि हमारा जब वो चल रहा है तो दो सेक्टर ऑलरेडी खुले हुए हैं। ये पूरा रूट हमारा 8.6 किलोमीटर का है और उसमें 8.6 किलोमीटर में लगभग इनको 12 से 14 मिनट का समय निकलेगा। ठीक है, तो किसी जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए हम लोगों ने डायवर्सन प्लान लागू किया है जो आपके माध्यम से सबको जनता को पहुँचे और जनता अपने हिसाब से जा सकती है। साथ में जिनको कार्यक्रम स्थल पर जाना उसका भी हम लोगों को पार्किंग प्लान और आवागमन लागू। इंदौर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर इंदौर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से रहवासी संघों की बैठक बुलाई। बैठक में निगम आयुक्त ने सभी संघों को अपने स्तर पर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इस दौरान निगम आयुक्त आशीष सिंह ने कहा कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर वन आया है वैसे ही इंदौर को मतदान में भी नंबर वन का खिताब दिलाना है। रिपोर्ट News 29 इंडिया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 19 तारीख को इंदौर लोकतंत्र के महापर्व अर्थात चुनाव के दिन की तैयारी कर रहा है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि जैसे कि सफाई में इंदौर लगातार नंबर वन बना हुआ है वैसे ही मतदान में भी इंदौर नंबर वन रहे और लोकतंत्र की सुदृढ़ता का परिचायक होता है कि कितना वोटिंग का परसेंटेज यहाँ पर है। इसी प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए और इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर इंदौर के पूरे इंदौर शहर के 100 से अधिक रहवासी संघों के 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और उन सभी को यहाँ पर मतदान की न केवल शपथ दिलाई जाएगी बल्कि ये भी कोशिश करी जाएगी कि वो एक तरीके से हमारे चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करें और न केवल वो मतदान में पार्टिसिपेट करें बल्कि उनके जो रहवासी संघ के अंदर के लोग हैं वो सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें। एक विचार जो है ये भी चल रहा है कि जो रहवासी संघ हमारा इस मामले में सहयोग करेगा लोकतंत्र को सुदृढ़ कराने में बनाने में काम करेगा और जहाँ पर 90-95% से अधिक मतदान होगा तो हम लोग भी वहाँ की जो समस्याएं होंगी या वहाँ के विकास कार्य होंगे वैसे तो पूरा शहर ही हमारी प्राथमिकता है लेकिन हम लोग उनको विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराएंगे। तो मेरी इंदौर के सभी रहवासी संघों से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 तारीख को मतदान में भाग लें और इंदौर को और लोकतंत्र को फिर से नंबर वन बनाएं। रायसेन जिले के गैरतगंज में विदिशा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी शैलेन्द्र पटेल के चुनाव प्रचार में आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। सीएम बघेल ने कहा कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। शिवराज केंद्र में आपकी सरकार है, जवाब आपको देना है। भूपेश बघेल बोले कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपया देंगे लेकिन हुआ उसका उल्टा। काले धन के नाम पर एक भी रुपया किसी के खाते में नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। मध्य प्रदेश, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि पूरे देश के एटीएम लूटने का काम अमित शाह ने 2016 में किया था। सब लोगों की जेब खाली कर दिए, बैंक में जमा करा दिया और अपने मित्र मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और भी जितने मोदी हैं सबको विदेश भगवाने का काम इन्होंने किया है। देश को लुटवाने का काम इन लोगों ने किया, बर्बाद करने का काम किया है। शिवराज जी तो कहते हैं कि आपको लालटेन और चुन्नी की आवश्यकता आ गई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह जी, अभी लोकसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश से बाहर विधानसभा चुनाव से बाहर निकलिए। कोई आदमी जब बीमार पड़ता है, सदमे में रहता है तो वो उसी बात में अटक जाता है उसका दिमाग। शिवराज सिंह का भी दिमाग वहीं अटका हुआ है और शिवराज सिंह बताएं कि नोटबंदी से कितना लोगों को फ़ायदा हुआ, GST से कितना फ़ायदा हुआ और अभी तक के शौचालय का पैसा क्यों नहीं मिला और अब तक उज्ज्वला योजना में कितने बार लोगों ने रिफिलिंग कराई, इसका जवाब दे। पेट्रोल डीजल गैस की कीमत कम क्यों नहीं हुआ, इसको बताए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, ये शिवराज सिंह को बताना चाहिए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का नहीं। शिवराज सिंह जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि जो कांग्रेस कह रही है कि उनके परिवार के लोगों का कर्जा माफ हुआ है, क्या वो सूची कांग्रेस प्रकाशित कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती, जब दिए उसके घर पहुँचा दिए। शिवराज सिंह, यदि ये बात सही है तो क्या शिवराज सिंह पूरे परिवार सहित कांग्रेस को वोट देंगे? हम सूची उनको देते हैं। नेपा नगर में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू की आम सभा को संबोधित करने आने वाले थे।
उन्हें इंदौर से बुरहानपुर आने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ने की अनुमति नहीं दी। इस संबंध में जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी से बात की तो उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू के हेलीकॉप्टर को इंदौर से बुरहानपुर आने की अनुमति नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और हमारा दुर्भाग्य है कि इनकी हिस्सेदारी जानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं इंदौर, और आज से उन्होंने ये काम कर दिया कि हमारा जो सिद्धू जी आने वाले थे उनका हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन इंदौर में दी। वो सुबह से आए हुए हैं, जिस हेलीकॉप्टर से उनको यहाँ आना था उस हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के अपने स्टार प्रचारक होते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार का काम किया है तो चुनाव आयोग को भी ये बात संज्ञान में लेना चाहिए कि जो भी स्टार प्रचारक होते हैं, हर पार्टी के नेता होते हैं, उनको सबको अपना अधिकार अपनी बात करने का है, अपनी रैलियां करने का है, अपने हेलीकॉप्टर से आने जाने का है। एक भाजपा के नेता के आने के कारण आप एक दिन पहले से सरकार का सब बैंड करेंगे तो ये ठीक नहीं। क्या यात्रियों के जो हवाई जहाज आ रहे हैं इंदौर, इसको इन्होंने रोक दिया? जब यात्रियों के आने जाने के बड़े बड़े हवाई जहाज को नहीं रोक पा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर को रोकने का क्या उचित है? तो इसमें अपने आप प्रतीत होता है कि ये मेरे जो हमारे नवजोत सिंह जी सिद्धू है, जो इनकी बाल की खाल निकाल रहा है भाजपा नरेंद्र मोदी, इसके कारण डर के इन्होंने इस प्रकार की घटना की। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे देश।